नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाला आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इस्पाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि निरंतर अभी 12 से 15 दिन हो गए लगभग, हमारा दिल्ली का अपडाउन चल रहा था, लगभग हम दिल्ली रहे और दिल्ली में काफ़ी काम हम लोगों ने किया। उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों के पास डालूंगा अभी थोड़ी देर में। अभी तक वो वीडियो हमने अपलोड नहीं किया है, वहाँ पे क्या क्या काम हम लोगों ने किए। केंद्रीय जो निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग है पूरा, उसके कई आला अधिकारियों से हम मिले, उसमें सीएचओ से रिलेटेड भी मिले, 80/20 से रिलेटेड भी मिले, कई अदर जो एनएचएम विभाग की सैलरी के जो इश्यूज चल रहे थे उनसे रिलेटेड भी मिले, सीसीएच के डिप्लोमा से रिलेटेड भी मिले। तो साथियों, उसके बारे में जो भी जानकारी है वो अगले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। साथियों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग, जो मेरे भाई लोग यहाँ पे परेशान हैं काफ़ी समय से, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती है, जो ब्रिज कोर्स अभी चालू होना है, उसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले तो एक बात बता देना चाहता हूँ। जिन लोगों को, कई लोगों को ये परेशानी आ रही है कि जैसे कईयों के जैसे रजिस्ट्रेशन का मामला है, रजिस्ट्रेशन का मामला भाई, जैसे कि कई लोग बाहर सीसीएच कर चुके और जो के जिस प्रकार से, और उन लोगों को यहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन वहाँ का करवाना पड़ गया था और यहाँ की दिक्कत आ रही थी। दूसरी, जैसे जाति प्रमाण पत्र की जो समस्याएं आ रही थी कि भाई जो नया बनवाया था उन लोगों को वैलिड नहीं किया, कुछ एक लोगों का ये भी कहना है कि कोई कोई सेंटर्स पे किया भी गया है, कुछ पे नहीं किया गया। हालांकि जिन लोगों का अगर किया गया, दो को भी किया गया, तो बाकी सबको भी किया जाएगा, ये मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ। और अगर इसमें कोई भी छोटी मोटी ये है कि भाई जाति प्रमाण पत्र का, और तीसरा जो स्पोर्ट्स का था, नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास है, उन लोगों में से भी कईयों को अभी वैलिड नहीं किया गया था, तो उनको भी वैलिड किया जाएगा इसमें। और जो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का कुछ करेक्शन का था, और कुछ जो भी करेक्शन है आप लोगों के इससे संबंधित कि फॉर्म का करेक्शन या लिंक विंक का नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो सब मूलतः तो जो जहाँ जहाँ जिन जो लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अभी फिलहाल में, वो लोग अपने जो सेंटर है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं, वहाँ पे जो इंचार्ज अभी बनाए गए हैं स्पेशली उस काम के लिए, अभी हेल्प डेस्क एक तरीके से चालू करवा दी गई है, आप लोग निश्चिंत रहें। उसमें जो इंचार्ज हैं उनको जाके आप लोग अपनी समस्या बताएं। मूलतः अब भी जो डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स में मेनली ये है कि भाई वो डॉक्यूमेंट्स अभी जो डेट से पहले के, और जो उनको गाइडलाइन जो दी गई है इनके द्वारा, जो एनएचएम विभाग द्वारा, और जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने उस गाइडलाइन को डाला है, और उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाई वो लोग कर रहे हैं सेंटर वाले। परंतु जैसे अब महिलाओं का भी, कुछ महिलाओं की जैसे शादी हो गई तो हस्बैंड के नाम से कईयों ने मूल निवास बनवा लिया था हस्बैंड के साथ होने की वजह से, और फिर पहले पिता के नाम से था तो मूल निवास, तो ये भी समस्या आ रही थी। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का निराकरण के लिए आज हमारी अभी वार्ता हुई है एनएचएम पीडी साहब से भी, और स्पेशली इस मामले में बात हुई। बात होने के बाद निष्कर्ष ये निकला है कि सभी के लिए ग्रेविएशन के लिए, यानी अपनी परिवेदना दर्ज कराने के लिए, बहुत जल्द जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आप लोग ऑनलाइन, आप लोगों से परिवेदना मांगी जाएगी, उसमें आप लोग अपनी वहां से बैठे बैठे एप्लीकेशन लगाएं, और जो डॉक्यूमेंट्स आपकी कोई छोटी मोटी कमी रह गई या डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कतें आई, तो वो आप लोग जमा करा के और उसमें अपनी परिवेदना यानी कि शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि साहब मेरी ये दिक्कत थी और इस प्रकार की, मैं इस तरह से इसके लिए एलिजिबल हूँ और ये मेरी ये समाधान किया जाए। तो समाधान के लिए, परिवेदनाओं के लिए, एक ग्रेविएशन के लिए पोर्टल खोला जाएगा ऑनलाइन, अभी जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उसके 2 या 3 दिन बाद समय दिया जाएगा, समय का तुरंत प्रभाव से उस वक्त, जैसे करेक्शन के लिए पहले, फॉर्म करेक्शन में के लिए भी पहले 3 दिन का टाइम दिया गया था, तो कुछ लोग उस टाइम भी नहीं कर पाए थे, तो इस ग्रेविएशन वाले में भी वो लोग ग्रेविएशन लगा के, और जो छोटी मोटी करेक्शन रह गई और DOB वगैरह की कुछ भी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान उसमें करने का प्रयास होगा। जो चीज़ वैलिड होगी उसका तो समाधान होगा, लेकिन जो चीज़ इनवैलिड हुई तो उसके लिए दिक्कतें आएंगी, तो उसके लिए कमेटी बनेगी, और कमेटी बनके और डिसीजन होंगे। जैसे जाति प्रमाण पत्र के लिए कमेटी बने कि भाई कईयों का 5 साल पुराना है तो जाति तो उसकी बदल नहीं गई है, और भर्ती में भी पहले से 2 साल लगा दिए इन लोगों ने पूरी करने में, तो इस उस वक्त जाति प्रमाण पत्र कई कह रहे हैं कि 3 साल का गैप माना जाएगा, कुछ कह रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई उसमें दिक्कतें नहीं आने की संभावना ही है पूरी, और अभी इसके बारे में एक मीटिंग होगी, बड़ी उच्च स्तरीय बैठक होगी, उसके बाद फैसला इन लोगों के लिए लिया जाएगा पूरा, किस किस मैटर में क्या क्या होना चाहिए वो सारी बातें होंगी।
और जो जिस साथी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो हमें लिखकर व्हाट्सएप नंबर पे हमारे पे भेजे, जिससे हम उसका समाधान कराने का प्रयास करें। क्योंकि कई लोग अप्रोच लगा लगा के भी जा रहे हैं कि मेरा ये करेक्शन है वो है, अधिकारियों के पास, अधिकारी उनको साफ तौर पे मना कर रहे हैं, चाहे कितनी बड़ी अप्रोच आप लगा के देख लीजिए, इस प्रकार से कुछ नहीं होने वाला है। साफ सुथरे यहाँ भी आ रहे हैं काफ़ी छात्र अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो वो भी समस्याओं का समाधान सीधा ऑनलाइन ग्रेजुएशन खोलने के बाद पोर्टल पर अपने आप कर दिया जाएगा, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी, आपको आज जो वार्ता हुई है मुकुल शर्मा जी से, अभी वार्ता हुई है हमारी, तो उसमें भी मैं आपको एक खुशखबरी आप लोगों के लिए दे देना चाहता हूँ कि आज लगभग निर्णय हो गया है, पूरा फाइनल हो गया है। सभी परीक्षाएं जितनी भी भर्तियां होंगी वो सारी की सारी लिखित परीक्षा से आने वाली भर्तियां होंगी। इसके लिए हमारी एक बहुत बड़ी जीत आज हो गई है, लगभग डिसीजन फाइनल हो चुका है, कार्मिक विभाग से भी इसको हरी झंडी लगभग मिल चुकी है। आप लोगों को सबको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं और बहुत जल्द राजस्थान में स्टाफ नर्स ग्रेड द्वितीय की, फार्मासिस्ट की, पैरामेडिकल की, सभी जो संवर्ग है जितने भी, आयुर्वेद की, सभी संवर्गों में हम लोग एक बड़े लेवल पर बड़ी भर्तियाँ करवाएंगे। और फार्मासिस्ट भर्ती के लिए आज हमारी वार्ता हो गई है, काफ़ी साथी लोग फार्मासिस्ट वाले चिंतित थे और वो मेरे पास बार बार फ़ोन कर रहे थे, उनको मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि जो भर्ती होगी उसके लिए हमने फाइनल करवा लिया है, यहाँ से लेटर भेज दिया मुकुल शर्मा जी ने, और वो भर्ती लिखित परीक्षा से करवाई जाएगी। फाइनली हम लोगों की जीत, बड़ी जीत दर्ज हो गई है, ये मान लीजिए लिखित परीक्षा से वो भर्ती होगी और मेरिट पे हम होने भी नहीं देंगे। दूसरा, उसमें पदों की जो वृद्धि है वो उसके लिए फाइल भेज दी गई है फाइनेंस को, और फाइनेंस से बहुत जल्द वो फाइल क्लियर होके और आप लोगों तक भर्तियां पहुंचेंगी, विज्ञप्ति जारी होगी। और वो भर्तियों की संख्या है वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों से एकदम एग्जैक्ट जो संख्या है वो बताऊंगा, क्योंकि फाइनेंस कितनी भर्तियों के लिए यस करता है और कितनी भर्तियों के लिए फाइनेंस विभाग, वित्त विभाग कितनी भर्तियों के लिए यस करता है और नो करता है वो उस पर निर्भर करेगा, तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। रही बात अब सबसे मेन बात कि भी हम लोग पैरामेडिकल की भर्तियों के लिए अभी मुकुल शर्मा जी से मिले हैं, तो पैरामेडिकल की जो भर्तियां हैं उनके लिए आज भी कोर्ट में सुनवाई थी, और जो भर्तियां हैं एलटी और आरटी की दोनों, उनके लिए अभी बहुत जल्द उसकी लिस्ट जारी होगी। इन्होंने हमें 8 से 10 दिन का टाइम मांगा है हमसे, और 8-10 दिन पहले इन्होंने लेटर बना के भेजा था अधीनस्थ आयोग के चेयरमैन को कि भाई इसको भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। हमने जब पिछली बार हम मिले थे उसके बाद, तो लोकेश जी शर्मा जी और जो भवानी कुमार भाई, ये लोग मिले थे, हम लोग रेगुलर इस मैटर में मिल रहे हैं, तो जल्द से जल्द इस भर्ती के लिए लेटर बनवा के यहाँ से भेजा गया था 10 दिन पहले भी, और एक रिवाइनिंग लेटर आज फिर से भेज दिया गया है अधीनस्थ आयोग के चेयरमैन को। आज अधीनस्थ आयोग के चेयरमैन साहब हैं, उनसे भी हम दिन में मिले थे, आप तक फोटो पहुँच जाएगा कुछ ही देर में, फोटो वायरल हो जाएगा आप लोगों तक। जो हरी शर्मा जी हैं, हरि प्रसाद जी शर्मा जी हैं अधीनस्थ आयोग के चेयरमैन, उनसे हम लोग मिले थे, तो सारी बात हो गई हमारी। उन्होंने भी ये कहा है कि बहुत जल्द उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर 1-2 दिन में, और पूरे इस भर्ती को जल्द से जल्द 8-10 दिन में जल्द से जल्द इसकी लिस्ट निकालने का काम किया जाएगा। आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक अनुभव प्रमाण पत्र का लोकेश जी बता देंगे थोड़ा सा। लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर भर्ती में जो कुछ विद्यार्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र, कुछ लोगों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाए थे, उनके वेरिफिकेशन के लिए ये काम चालू हो चुका है। और जितना हमारे पास 10 दिन पहले भी हम लोग आए थे, तो 10 दिन पहले भी ये बात हुई थी कि भर्ती को पूरी तरह यहाँ से लेटर हमने मुकुल शर्मा जी के यहाँ से भिजवा दिया था, लेकिन उसके ऊपर क्या अमल हुआ उसके लिए हम फिर आज फिर से आए, उस पेपर को वापस हमने उसको रिमाइंड करवाया। हरि प्रसाद जी ने बोला है कि उच्च स्तरीय बैठक होगी, और जल्दी ही मैं उम्मीद करता हूँ अपने सभी साथियों के लिए कि 10 दिन के बाद में आप लोगों को अच्छी न्यूज़ और सबके बीच में आ जाएगी। और फिर भी नहीं मानते हैं तो भाई साहब हमारे साथ हैं और नई रणनीति के साथ माँ पड़ाव करेंगे, और इसके लिए सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि 10 दिन का और इंतजार करें, उसके बाद में हम हमारी ओर से पूरा प्रयास करें। साथियों, जैसा कि लोकेश भाई ने और भवानी भाई ने कहा है, हम लोगों ने रणनीति तैयार कर ली है, एक उच्च स्तरीय हम लोग महापड़ाव यहाँ पे डालेंगे, जबरदस्त वाला महापड़ाव डालेंगे, और इतना जोरदार महापड़ाव होगा कि सरकारें हिल जाएंगी, ये हमारी गारंटी है। पहले भी हमने सरकारों को हिलाया है। अब मैं आप लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एक नई भर्ती के लिए भी हमारा प्रयास चल रहा है, बहुत जल्द उसको लेके आएंगे, उसकी विज्ञप्ति जारी करवाएंगे। अब CHO की जो ये भर्ती चल रही है उसकी भी एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इस भर्ती को 20 फरवरी से पहले पहले भी इसका काम खत्म करके, और लगभग 21-22-25 तक हर हाल में आप लोगों के लिए, मतलब 20 फरवरी माह में इसको पूरी तरह से कंप्लीट करवा के, और इसका
जो ब्रिज कोर्स है वो चालू करवा दिया जाएगा। सेंटरों पे सभी पे लेटर्स भेज दिए गए हैं टीचर्स को तैयार करने के लिए कि भी इनको ट्रेंड किया जाएगा, तो उस हिसाब से तो आप लोगों को चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द आप लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी। और इसमें जो ये है कि भाई जो वेटिंग या कुछ निकलवाने का, जैसे कुछ बाहर हो जाते हैं भर्ती उसके बाद कोई वेटिंग निकलने का और वो होगा, तो उसके लिए भी हम लोग निरंतर प्रयासरत रहेंगे। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक बड़ी भर्ती और लेके आ रहे हैं, लिखित परीक्षा से सेकेंड ग्रेड स्टाफ नर्स की भी ला रहे हैं, नर्सेज के लिए एएमओ की भर्ती को भी लिखित परीक्षा से कराने के लिए हमने आज फाइनली मांग रख दी है। तो जो जितनी भर्तियां हैं सभी लिखित परीक्षा से हो, इसके लिए कार्मिक विभाग से यहाँ पे लेटर भेज दिया गया है। ईसीजी भर्ती की मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये साथी ईसीजी से हैं सभी, तो आज वार्ता हो गई है। और ईसीजी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अभी आज उन्होंने 10 दिन पहले जब एलटी और आरटी का लेटर भेजा था उस टाइम ईसीजी का भी भेजा गया था, मैंने उस टाइम वीडियो में बोला था। और अब वापस से ईसीजी का हमने लेटर रिवाइंड करवा दिया है। अधीनस्थ आयोग का चेयरमैन अब तक नहीं आने की वजह से बीएल जाटाव जी हटे थे और नए चेयरमैन आ गए तो हरिप्रसाद शर्मा जी, तो उनकी वजह से अब तक ये देरी हो रही थी, अब वो आ चुके हैं, पदभार संभाल लिया है। बहुत जल्द आपके लिए एलटी आरटी और ईसीजी की भर्तियां बहुत जल्द पूर्ण करवाई जाएंगी। ईसीजी की भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी बहुत जल्द करवा दिया जाएगा। ओटी टेक्नीशियन के कैडर के लिए आज फिर से प्रताप सिंह दूतर जी से मिले हम, लेकिन उससे पहले 2 बार वैभव गिलेरिया जी से मिल चुके हैं। तो ओटी टेक्नीशियन की भर्ती का कैडर बहुत जल्द हम लोग बनवाएंगे। नर्सिंग ट्यूटर और जो पीएचएन है और जितने भी सैलरी का मामला है उसके लिए आप अगली वीडियो देख लेना जो दिल्ली से हम लोग करवा के लाए हैं। धन्यवाद साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल आप सभी को धन्यवाद देता है। और इसी तरह से साथ बनाए रखेंगे तो हम राजस्थान के इस चिकित्सा विभाग को पूरी तरह से मजबूत करने में और लोगों के स्वास्थ्य की सेवा करने में हम लोग किसी भी तरह से कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा विभाग में रोजगार दिलवाने का काम हम करेंगे। धन्यवाद।